भैया रूम मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। कहाँ से आए हो? सर ललित बिहार से हम दोनों। तुम दोनों के पास आईडी तो है ना? हाँ सर है मेरे पास आईडी। ये लो। अच्छा ये तो आपकी आईडी हो गई, और मैडम की आईडी? सर मेरी आईडी से क्या होगा, एक आईडी दी तो है आपको। मैडम आपकी आईडी की भी जरूरत है? आपको पता नहीं है क्या देश में क्या क्या हो रहा है? मुझे ये भी तो देखना है कि आप 21 प्लस हो कि नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है सागर, आप इनको आईडी दे दो, आपके पास मेरी आईडी होगी। सर हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब प्लीज़ आप हमें रूम की कीज़ दे दो। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दोनों इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। ओके सर। मैडम आप भी करिए साइन। थैंक यू सर। यार सागर बाहर ना मुझे वो बड़ा तेज लग रहा था, हम अपना काम कर भी पाएंगे या नहीं? अरे यार तू टेंशन क्यों ले रही है, जब तक मैं हूँ जब तक टेंशन लेने वाली क्या बात है? वो सब तो ठीक है सागर, लेकिन ना मुझे वो बहुत ज्यादा तेज लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो हमें पकड़ ले। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, और अगर ज्यादा कुछ होगा ना तो सामान यही छोड़ जाएंगे और बिना चेकआउट के चले जाएंगे। खैर अभी ये सब छोड़, अभी मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, बाद में देखते हैं। यार सागर इस बार तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तूने अपने साथ साथ मेरी आईडी भी दे दी है, खुद तो तू फंसेगा साथ में मुझे भी फंसा देगा। अरे यार तू खामखा डर रही है, मैं अपने होते हुए तुझे कुछ छोड़ दूंगा क्या? और हमें यार रुके हुए कितने दिन हो गए, 4 से 5 दिन। इसका बिल कितना होता है? 4-5 हज़ार रुपये। और पिछले बार वाला कांड भूल गई क्या तू? हमने 10 हज़ार रुपये का चूना लगाया था उसे। चल अब ज्यादा लेट मत कर, फटाफट अपना सामान पैक कर और निकल। अच्छा चल ठीक है चलते हैं। सर रूम चेकआउट कर रहे हो क्या? नहीं हम चेकआउट नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं घूमने जा रहे हैं। और हाँ सर हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखना, क्योंकि हमें आने में ना थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है मैडम, रात को ज्यादा देर तक बाहर मत घूमना, 11 बजे तक आ जाना। हाँ आ जाएंगे, हम बच्चे नहीं है, हमें मत सिखाओ। अरे हाँ हाँ यार तू टेंशन मत ले, हाँ 1-1.5 घंटा लगेगा। अरे यार होटल आया था, थोड़ा सा हिसाब करना था। हाँ चल ठीक है करता हूँ मैं तेरे सभी बात। ठीक है शिवम इस महीने का मुझे हिसाब दिखाओ। सर ये लो। शिवम ये 5,000 रुपये कैसे कम है? सर एक कपल आया हुआ है, वो यहाँ 6 दिन से रुके हुए हैं, उन्होंने 1,000 रुपये दे दिए हैं और 5,000 रुपये लेना बाकी है। अभी वो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं, उनका कुछ सामान ना अभी रूम के अंदर है। अच्छा वो पैसे उन्होंने नहीं दिए या आपने रख लिए? नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इस होटल को ना मैं अपना समझ के चलाता हूँ। ऐसा है ना शिवम कि पैसों को देख के ना किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, मुझे ना तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, समझ में आया? सागर रिसेप्शन पे तो वही बंदा बैठा है, अब क्या करे, अगर इसने हमें पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार। अरे नहीं नहीं श्वेता तू कैसी बातें कर रही है, इसके पास ना रोज के 100 बंदे आते हैं और हमारी बात जो है ना वो 2 महीने पुराने हो चुकी है, तो हमारी शक्ल इसे कैसे याद होगी? चल ठीक है चलते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर यहाँ पे रूम अवेलेबल हैं? हाँ यहाँ रूम अवेलेबल है। हाँ तो फिर देरी किस बात की है, रूम की चाबी हमें दे दीजिए। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं नहीं सर हम दोनों तो इस शहर में नए हैं। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा सरजे सर, सरजे सर। अरे क्या हुआ शिवम क्यों चिल्ला रहे हो? सर आप उस दिन 5,000 रुपये के लिए मुझे सुना रहे थे ना, ये वही कपल है जिन पे 5,000 रुपये बाकी है। ओहो तो आप दोनों हो, अरे आप दोनों को शर्म नहीं आती है कि 2-4 हज़ार रुपये के लिए ऐसा करते हो? अरे कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, अच्छे घर से लग रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो। आपको पता भी है कि आप दोनों की वजह से ये शिवम की नौकरी चली जाती, और आप जैसे लोगों की वजह से ना हम अपने अच्छे कस्टमर पे भी शक करते हैं, और यही रीज़न है कि हर होटल वाला ना एडवांस में पेमेंट मांगता है। आई एम सॉरी सर। मुझसे माफ़ी मत मांगो आप दोनों, अगर माफ़ी मांगनी है ना तो इनसे मांगो,
इनकी नौकरी जा सकती थी आप दोनों की वजह से। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारी इस हरकत की वजह से आपकी जॉब भी जा सकती थी। हम सर आपसे प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम दोनों ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। शिवम जी एक काम करिए, इनको ना रूम दे दीजिए, और ध्यान रहे इनसे ना पेमेंट एडवांस में ही लेनी है। इन जैसे लोगों की वजह से ना हमारे अच्छे कस्टमर भी बेकार होते हैं। लाओ अपनी अपनी आईडी दो और पेमेंट जमा करो।